एक हरियाणवी फील है बहुत मेहनत करनी पड़ी थी मुझे काफ़ी कुछ <laughs> करना पड़ा था हमारे जो राइटर है वरुण गौतम जी उन्होंने कहानी तो बहुत ही अच्छी लिखी थी डायलॉग्स भी लिखे थे आ, थोड़ा सा मुझे अपने आप को आई हैड टू वर्क ऑन दैट स्लाइट हरियाणवी हिंदी एंड लॉर्ड ऑफ वर्कशॉप्स लॉर्ड ऑफ वर्क बट आई थिंक वो सारी मेहनत uh, शायद दिखेगी अब स्क्रीन पर सबसे बड़ी बात यह है इसमें विनोद कहीं ना कापरी एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही कुछ अच्छे इंसान हैं एंड आई थिंक मैं उनके बारे में ना ही बोलूँ तो अच्छा है वो उनको जितने लोग मीडिया में जानते हैं वो उनके फेवरेट पर्सन है सब लोग उन्हें पसंद करते हैं नॉट जस्ट दैट आई थिंक देर आर सो मेनी पीपल मुझे मालूम है बहुत लोगों ने uh, उनके साथ काम करने के लिए भी बहुत चाह रहे थे एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही मी बिकॉज कहीं ना कहीं विनोद विनोजी को मैं थैंक यू कहूँगी टू गिव मी सच अ वंडरफुल स्क्रिप्ट एंड कभी कभी एक्टर्स को कोई अच्छा डिरेक्टर मिलता है तो आई थिंक इट इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग एंड विनोद जी इज अ आई थिंक अ फैबुलस डायरेक्टर अ वेरी वंडरफुल सोल एंड अ ग्रेट ह्यूमन बींग एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं फिल्म में दिखेगा आपको सो वर्किंग विद हिम आई आई विश आई कैन ओनली कीप वर्किंग विद हिम ऑलवेज शूट uh, हमने की थी एक छोटी सी जगह है हापुर, हापुर uh, दिल्ली से थोड़ा सा जैसे आप जानते ही हैं थोड़ा सा दूर है एंड uh, एक एक बहुत ही प्या, प्यारा सा फोर्ट है एंड हापुर uh, जगह है जहाँ पे हमने पूरी फिल्म uh, शूट की है फ्रॉम डे वन एंड स्टार्ट टू फिनिश सो एवरीथिंग इज़ राइट देयर कहीं करते करते आपकी टच में चुके हैं नहीं वो उस वक्त तक थी थी आप <laughs> कोई ऐसा डायलॉग है जो आपको काफी परेशानी हुई हो? परेशानी तो पूरे उसमें थी तो रहने <laughs> दे तुमसे कुछ ना होने वाला है <laughs> <laughs> ऐसे काफ़ी डायलॉग्स हैं मेरे इनफैक्ट एंड uh, आप देखेंगे फिल्म में तो पता लगेगा काफ़ी एक uh, हरियाणवी जो होती है ना थोड़ी सी मैस्कुलिन लैंग्वेज है हल्की सी उसमें एक पावर बहुत आता है तो जब कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कि गाली दे रहे, तो आई फील इट वाज फन डूइंग इट एंड क्योंकि माया का किरदार थोड़ा सा एक स्ट्रॉग औरत है तो uh, I, वो पूरा सा एक ब्लेंड जो है इट्स अ वेरी वेल एच रोल फॉर मी आप वेल देर इज़ अ न्यू बॉय ईज़ डन अ फ्यू फिल्म राहुल बग्गा एंड वो थिएटर का है बहुत ही अच्छा एक्टर है इज़ अ वंडरफुल एक्टर द काइंड ऑफ केमिस्ट्री एंड टाइमिंग दैट वी गॉट थैंकफुली इट वॉज़ अ ब्लेसिंग के मेरे साथ जितने भी कलाकार थे बहुत ही मंजे हुए कलाकार थे थिएटर से थे सो ही वॉज अ ग्रेट हेल्प एंड आई थिंक बहुत फर्क पड़ता है वन यू हैव अ वेरी गुड एक्टर एज अ कोस्टा सो मैं कहूँगी कि राहुल हैज़ अ लॉर्ड ऑफ टैलेंट एंड आई एम श्योर ही गो प्लेसेज टाइटल बात करें, क्या कहना चाहिए टाइटल, टाइटल, टाइटल बहुत ही अच्छा है इनफैक्ट मिस तनकपुर कौन है मिस तनकपुर हाजिर हो और है मिस तन...